वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू चेक पीसीआई अप्रूवल ऑफ ए कॉलेज और ए यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या सेल्फ एफिलेटेड है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कोई भी हो, आपको पता चल जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, उसका अप्रूवल का एक्सटेंशन कब तक है। क्योंकि अभी आपको पता है कि मैक्सिमम कॉलेजेस ऑफ इंडिया दे आर लाइक फेसिंग सम प्रॉब्लम्स ड्यू टू द पीसीए अप्रूवल, क्योंकि पीसीए का भी बहुत रेस्ट्रिक्शन चल रहा है अप्रूवल को लेकर। हर कॉलेज को पीसीए अप्रूवल नहीं मिल रहा है एंड सम कॉलेजेस दे सडनली स्टॉप द एडमिशन प्रोसेस ड्यू टू दिस पीसीए अप्रूवल रूल्स एक्चुअली। सो पीसीए अप्रूवल आपको कैसे चेक करना है, कभी भी हो, नॉट ओनली दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर 2022, आप किसी भी ईयर में किसी भी मंथ में आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए प्रोसेस विल बी द सेम, ठीक है। फॉर 2022, 2023, 2024 एनी ईयर आप लोग एनी स्टूडेंट, फॉर डी फार्म, बी फार्म हो, एम फार्म हो, इवन फार्म डी, जो सारे स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी से रिलेटेड, आप लोग देख सकते हो। कहाँ से देखना है मैं आपको दिखा दूंगा सारा कुछ एंड स्टेटस भी, ठीक है, और क्या किसका मतलब है वो भी मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स है सो आपको शायद नहीं पता, क्योंकि अगर आप लोग डी फार्म या बी फार्म में एडमिशन लेने वाले हो तो आप लोगों को सब कुछ पता नहीं है इस सब के रिलेटेड, है ना। लेकिन पीसीए अप्रूवल होना एक बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है। जैसे कि आप समझ लीजिए, नॉर्मली एक कॉलेज कुछ कुछ एफिलेशन एक कॉलेज के पास होना चाहिए मैंडेटरी, और कुछ कुछ चाहिए जो मैंडेटरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, अगर है तो ठीक है। जैसे कि सपोज फर्स्ट इज AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। AICTE अप्रूवल जो होते हैं, AICTE अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आपका यूनिवर्सिटी है, अगर आपका कॉलेज है तो मैंडेटरी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी डजंट नीड AICTE अप्रूवल फॉर ए नेसेसरी थिंग, ठीक है। उनके पास AICTE अप्रूवल ना हो तब भी चलेगा, और है तो अच्छा है। AICTE अप्रूवल उनके लिए फैक्टर है जिनका GPAT और GATE क्वालिफाइड है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अभी अगर आपका एक यूनिवर्सिटी है, सपोज यू आर एनी यूनिवर्सिटी, आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला हो तो वो UGC के द्वारा एफिलेटेड होना चाहिए फॉर श्योर, फॉर मैंडेटरी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। अगर एक कॉलेज है तो कॉलेज के लिए वो नहीं चाहिए मैंडेटरी, कॉलेज के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अंडर है वो UGC से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे कि यूनिवर्सिटी के लिए UGC इज नेसेसरी बट नॉट फॉर कॉलेज, जैसे कि कॉलेज के लिए AICTE अप्रूवल बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बट नॉट फॉर यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्पेशली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है या फिर जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज है, जो इवन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। देन हम आते हैं फार्मेसी में, तो फार्मेसी में सिमिलरली PCI अप्रूवल इज मैंडेटरी। आप बी फार्म करो, एम फार्म करो, डी फार्म करो, फार्म डी करो, PhD भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपका कॉलेज या फिर आपका यूनिवर्सिटी, दोनों के लिए ये मैंडेटरी है, जब तक आपके पास PCI अप्रूवल नहीं है, ठीक है। PCI अप्रूवल इन द सेंस ऑफ फुल्ली PCI अप्रूवल, नॉट ओनली फॉर कॉन्डक्ट ऑफ कोर्स। कोर्स ऑफ कंडक्ट भी एक होते हैं जिसके लेकर आप लोगों को मन में बहुत सारे डाउट्स है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन वो आप जान लीजिए कि आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके पास फुल्ली उसके पास सर्टिफाइड होना चाहिए, PCI अप्रूवल उसके पास होना चाहिए, नॉट ओनली सिर्फ कोर्स कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आगे जाकर आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी, एंड उसके साथ साथ आप भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीबॉडी। एंड बीइंग फार्मासिस्ट चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले आपको गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आने के बाद आपको सर्च कर लेना है, पहले तो PCI आप लोग लिखेंगे, ठीक है, PCI या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे अगर लिखेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम बी फॉर्म, डी फॉर्म में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म से इतना पता नहीं है, तो इसीलिए आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है PCI का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आप लोग सर्च करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा, जो ये जो वेबसाइट आएगा पहले वाला, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फार्मेसी काउंसिल इंडिया, इसका कोई डुप्लीकेट वेबसाइट नहीं है फिलहाल, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा, ऑनरेबल मिनिस्टर, यहाँ पे कौन अभी फिलहाल प्रेसिडेंट है, सारा कुछ, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग। एंड दिस इज द प्लेस ऑफ अनाउंसमेंट एंड नोटिफिकेशन, कौन कौन सा नोटिफिकेशन नया आ रहा है, सर्कुलर्स आ रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके ओके, अभी हम लोग आते हैं यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को अप्रूवल पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कुछ यहाँ पे आपको पॉपअप देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग इस वाले पॉपअप के देखेंगे, तो ये है अप्रूव्ड कॉलेज का पॉपअप, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप लोग
जस्ट यहाँ पे कर्सर को लाएंगे तो आपको दिखेगा ये सारा कुछ। आप लोग को बेटर होगा अगर आप लोग मोबाइल को छोड़ के लैपटॉप या पीसी से देखेंगे, लेकिन मोबाइल से भी आप लोग देख सकते हैं। सकते हैं पहला वाला जो है अप्रूव डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12। अंडर सेक्शन 12 मतलब फार्मेसी काउंसिल, जो फार्मेसी एक्ट 1948 है, जो आप लोगों ने शायद अगर आप लोगों ने बी फार्म कम्प्लीट किया है या फिर डी फार्म कम्प्लीट किया है तो आपको पता है। अगर नहीं है, अगर आप लोग का अभी नया आप लोग एडमिशन लें तो आपको अभी पता नहीं है, लेकिन पता होगा आगे जाके जूरिसप्रूडेंस सब्जेक्ट में कि फार्मेसी काउंसिल का जो एक्ट है, फार्मेसी एक्ट 1948, उसका जो सेक्शन अंडर सेक्शन 12 है उसी के अंडर ये इंस्टीट्यूशन का जो एफिलेशन है दिया जाता है। ठीक है, तो अप्रूव डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन है पहले वाला। सेकेंड वाला देख लीजिए, डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर कॉन्डक्ट। अब ये क्या है इस पर भी हम लोग थोड़ा सा आपको बता देंगे। नेक्स्ट है अप्रूव डिग्री इंस्टीट्यूशन एंड डिग्री इंस्टीट्यूशन फॉर कॉन्डक्ट। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फार्मडी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट फॉर फार्मडी पीबी, फार्मडी पोस्ट बैकलोरेट, फार्मडी पीबी जो कि होता है 3 साल का एंड फार्मडी होता है टोटल 6 साल का। ठीक है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रिज कोर्सेज, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर एम फार्मा कोर्सेज एंड अप्रूव्ड फैकल्टी ट्रेनिंग साइट अंडर फार्मडी रेगुलेशन। क्योंकि फार्मडी में जो लास्ट ईयर है वो रेजिडेंशियल या फिर एक ट्रेनिंग होता है हॉस्पिटल, तो उसके लिए कौन कौन से साइट्स है फैकल्टी ट्रेनिंग, उसके लिए कुछ कुछ रेगुलेशंस है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड फॉरेन क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द पीसीआई। ओके, ये लास्ट वाला है फॉरेन। तो अभी यहाँ पे हम लोग बी फार्म में बात कर लेते हैं। डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म सेम है, काइंड ऑफ देखना प्रोसेस सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे जो अप्रूव्ड कॉलेज है बी फार्म के लिए उस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अप्रूव्ड डिग्री इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12, ये नीचे वाला नहीं, ओनली फॉर कॉन्डक्ट नहीं। आप लोग ट्राई करो कि जो ओनली फॉर कॉन्डक्ट है उनको जितना हो सके अवॉइड करो। ठीक है, चलो, क्योंकि उनके पास फुल्ली अप्रूवल नहीं है। ओनली फॉर कॉन्डक्ट का मीनिंग आपको मैं बता दूंगा, लेकिन उस एक छोट इन द इन शॉर्ट आपको बता दूं, इनके पास फुल अप्रूवल नहीं है। ठीक है, टू कॉन्डक्ट द एग्जाम्स सारा कुछ। तो अभी आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा जहाँ पे आपको आप स्टेट वाइज देख सकते हैं, आप लोग नाम सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं, अगर आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है एंड उस कॉलेज का डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको स्टेट वाइज देखना है कि नहीं मुझे नहीं पता कहाँ पे मैं एडमिशन लूंगा, मुझे स्टेट वाइज देखना है कि मेरे स्टेट वेस्ट बंगाल में कौन कौन से है, तो आपको यहाँ पे स्टेट वाइज सर्च करना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब अल्फाबेटिकली आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश से स्टार्ट है। ठीक है, और दिस इज द पीसीआई लिस्ट नंबर, मतलब पीसीआई 35। ये एक कॉलेज के लिए यूनिक होता है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीसीआई 503, एसएल नंबर 1136, वेस्ट बंगाल स्टेट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी जादवपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्रूवल अप टू द एकेडमिक सीजन। ठीक है, मतलब कौन से एकेडमिक सीजन तक अप्रूवल है इनके पास। 112th सीसी मीटिंग 10/6/2021, एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल अप टू 2021 टू 2022 एकेडमिक सीजन फॉर 70 एडमिशन फॉर बी फार्म कोर्स। मतलब 2021 से लेकर 2022 तक इनके पास फिलहाल एक्सटेंशन है पीसीए अप्रूवल का। 2022 से 23 का जो सीजन है वहाँ पे जो लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए अभी तक नहीं है इनके पास, उनका जो अप्रूवल है अब तक नहीं मिला इनको, लेकिन मिलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, 70 तक सीट नंबर है, मतलब बी फार्म के लिए वो लोग एज पर पीसीआई 70 लोग को, मतलब 70 स्टूडेंट को वो लोग अप्रूवल दे सकते हैं। अप्रूवल मतलब इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन दे सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन अथॉरिटी देखने को मिलेगा, मतलब कौन से अथॉरिटी जो इसके अंडर एग्जाम्स होंगे जादवपुर के अंडर वो लेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर आपकी यूनिवर्सिटी है डायरेक्टली तो यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी लिखा रहेगा, अगर आपका कॉलेज है तो आपका यूनिवर्सिटी उस कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के अंडर है उसका नाम लिखा रहेगा उसके रजिस्टर के अंडर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं द रजिस्टर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है भारतीय विद्यापीठ, मतलब पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आप लोग देख सकते हैं पीसीआई 249 महाराष्ट्र, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। मतलब कॉलेज का नाम है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन अथॉरिटी, मतलब एग्जामिनेशन कौन लेता है, द बोर्ड है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ भवन LBS रोड पुणे। मतलब भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो PVDU है वो यूनिवर्सिटी यहाँ का एग्जाम्स लेते हैं। अब यहीं पे डिफरेंस हो जाता है एक अप्रूव्ड फुल एंड फाइल फुल्ली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और एक कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट, मतलब इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर कॉन्डक्ट। इसके लिए इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर कॉन्डक्ट का मीनिंग है इन लोगों के पास फिलहाल अप्रूवल है हाफ, मतलब दे कैन टेक एडमिशन टू फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर फॉर डिग्री और डिप्लोमा, बट अभी तक इनके पास एग्जाम लेने का जो फुल एंड फाइनल ऑथोराइजेशन है वो नहीं मिला है।
या फिर टू कोर्स टू कंडक्ट द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बी फार्म एज वेल एज सेकेंड ईयर डी फार्म, ये सब कोर्स कंडक्ट करने का एंड एग्जाम लेने का ऑथोराइजेशन इनको अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। अगर मिल जाते हैं उनको तो ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम कोर्स ऑफ कंडक्ट टू द डायरेक्ट अप्रूव्ड डिप्लोमा और डिग्री इंस्टीट्यूशन, मतलब फुल एंड फाइनल, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। अगर आप लोग मैं अगर आपको एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, डिग्री इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर कॉन्डक्ट, डिग्री इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर कॉन्डक्ट में हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से यहाँ का डिफरेंस है, नोट इंपॉर्टेंट। Wherever the council has granted approval for conduct of first year course in respect of diploma and degree or both diploma and degree course, said approval is subjected to following condition. मतलब फिलहाल इन सारे colleges को या फिर इन सारे courses को approval दिया है to conduct, मतलब first year में या फिर first semester में admission ले सकते हैं आप, diploma and degree and both में आप admission ले सकते हैं, लेकिन आपका जो college है या फिर आपका जो university है आपको पूरा approval तभी दिया जाएगा जब आप ये सारे जो कंडीशंस है ये फुलफिल करेंगे। क्या है वो कंडीशन, हम लोग बीफार्म के लिए बात कर रहे हैं तो बीफार्म का कंडीशन मतलब पीसीआई बोल रहे हैं कॉलेज को कि आपको मैं फिलहाल तो एक प्रोविजनल दे रहा हूँ अप्रूवल, आप एडमिशन लो, लेकिन आपको मैं तभी होल एंड फाइनल एक अप्रूवल दूंगा जब आपके पास ये सारा कुछ होगा, ठीक है। आप ये प्रूफ कर पाएंगे, पहला क्या है, अबव अप्रूवल इज सब्जेक्टेड टू सबमिशन ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ एफिलिएशन ऑफ एग्जामिनेशन अथॉरिटी, आपको एग्जामिनेशन अथॉरिटी या फिर जो बोर्ड ऑफ रजिस्टर है उनके अंडर सबमिशन करना है कि हम इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रहे हैं एंड ये हमारा एक्चुअली में एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, एंड एनओसी और अप्रूवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टार्टिंग द बीफार्म कोर्स बिफोर मेकिंग एडमिशन। एडमिशन लेने से पहले आपको अपने जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से परमिशन लेना होगा, एनओसी लेना होगा कि हाँ ये यूनिवर्सिटी और ये कॉलेज हमारे अंडर आ रहे हैं हमारे स्टेट के अंदर, एंड यहाँ से जो लोग फार्मेसी करेंगे उनको हम लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए जो लाइसेंस होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। नो एडमिशन शैल बी मेड विदाउट सबमिशन ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स टू पीसीआई, जब तक पीसीआई को आप लोग ये नहीं दे देते हम लोग इसको ग्रांट नहीं करेंगे, फुल एक आप एफिलेशन नहीं देंगे। इन केस द अबव डॉक्यूमेंट्स आर नॉट ऑब्टेन एंड सबमिटेड टू पीसीआई बिफोर द मेकिंग एडमिशंस, द अबव अप्रूवल ग्रांटेड बाय द पीसीआई शैल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस देयरऑफ शैल रेस्ट इन द इंस्टीट्यूशन एंड पीसीआई विद नो शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब अगर आप नहीं दे पाए टाइम के एडमिशन फुल एंड फाइनल लेने से पहले अगर आप लोग नहीं दे पाए तो जो स्टेटस आपको फिलहाल मिला है एडमिशन प्राइमरी आपको आपका वो स्टेटस आपसे ले लिया जाएगा एंड इस यूनिवर्सिटी के साथ पीसीआई का और या फिर कॉलेज के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, वी विल शैल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना डेंजरस है ये एक्चुअली में, ठीक है, ओके। तो आप लोग ट्राई कीजिए डिप्लोमा और डिग्री इंस्टीट्यूशन में जो अप्रूव्ड है फुल उनमें एडमिशन लेने का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एम फार्म का देख सकते हैं, यहाँ पे फार्म डी का देख सकते हैं। जैसे कि एम फार्म में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है। और अगर आपको जिसको कोर्स के लिए देखना है उसी कोर्स को देखिए। अगर आपको एम फार्म में एडमिशन लेना है तो आप बी फार्म वाला सर्च लिस्ट में मत देखिए कि पीसी अप्रूवल है कि नहीं। बहुत सारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी बी फार्म के लिए हो सकता है पीसी अप्रूव है, एम फार्म के लिए फिलहाल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे है डी फार्म के लिए है, बी फार्म के लिए नहीं है। तो आप लोग अपना जो कोर्स है जिसमें आप लोग एडमिशन लेंगे उसी को देखिए उसी को, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में अदर्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स है जहाँ पे 15 सीट्स है। एम फार्म के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पीसी अप्रूवल, यहाँ पे एम फार्म के लिए एक नादर चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बी फार्म डी फार्म के लिए बस बी फार्म एलिजिबल है, बी फार्म अप्रूवल है, दिस इज एनाफ। एम फार्म के लिए हर सब्जेक्ट अलग अलग होता है, एम फार्म किसी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट से हम लोग करते हैं। तो आपको एम फार्म के लिए मस्ट मैंडेटरी देखना होगा कि एम फार्म के लिए जो वो सब्जेक्ट है स्पेशली वो सब्जेक्ट एक्चुअली में उस कॉलेज में अप्रूव्ड है कि नहीं। मतलब समझ लीजिए कि मैं फार्मास्यूटिक्स लूँगा, वहाँ पे फार्माकोलॉजी भी है, फार्मास्यूटिक्स है, केमिस्ट्री है, कोग्नोसी है, लेकिन वहाँ पे वो तीनों को ही मिला है, फार्मास्यूटिक्स को नहीं मिला है पीसीआई अप्रूवल। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को चेक करना है एंड पीसीआई कितने सीट्स दे रहे हैं एक सब्जेक्ट में वो भी देखना है। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे सिमिलरली मैं सर्च कर लेता हूँ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, ओके। आप लोग देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी हमदर्द न्यू दिल्ली, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 111 सीसी डिस्कशन डिसीजन 7 and 6 April 2020 अंडर एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स फार्माकोग्नोसी। किस में कितना सीट्स है आप सब देख सकते हैं, सीट्स में 15 सीट्स है, कोग्नोसी में 8 सीट्स है। ये 2021 तक ये सीट है, अभी तक 2022 का इन्होंने नहीं पब्लिश किया है, इसलिए 2022 में हो सकता है सीट इंक्रीज हो या फिर सीट डिक्रीज हो, कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल ये इन्होंने एडमिशन ले लिया है पीसीआई अप्रूवल के अलावा भी, ठीक है।
बिकॉज दिस कॉन्फिडेंशियल, अगर उनको मिल भी जाता है तो दे विल पब्लिश ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फार्मासी प्रैक्टिस में 8 सीट्स है, फार्माकोलॉजी में 15 सीट्स है, क्वालिटी एश्योरेंस में 8 सीट्स है, केमिस्ट्री में 10 सीट्स है, बायोटेक में 5 सीट्स है, एनालिसिस में 8 सीट्स है। अभी इनको छोड़कर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास वो सब्जेक्ट है, तो मतलब उसका है कि वो पीसीए अप्रूवल नहीं है, तो आपको ये थोड़ा सा चेक एंड वेरीफाई करना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, यही आपको जानना है। यहाँ पे अभी आप लोग इजीली देख पाओगे एंड हाउ टू चेक द AICTE अप्रूव्ड, इसके रिलेटेड वीडियो है, नीचे लिंक आपको मिल जाएंगे, हाउ टू चेक AICTE अप्रूवल ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और एनी कॉलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। आप लोग उस पैरामीटर को भी देखिए, NRF रैंकिंग चेक कीजिए, NBA रैंकिंग चेक कीजिए, अगर BFARM है तो BFARM में एडमिशन ले रहे हैं तो NBA रैंकिंग चेक कीजिए। और अगर आपको इन सारे के लिए वीडियो चाहिए, NBA रैंकिंग कैसे चेक करते हैं, NRF रैंकिंग कैसे चेक करते हैं, फिर NAC रैंकिंग कैसे चेक करते हैं, NAC इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, उसके साथ साथ AICTE अप्रूव कैसे, वो ऑलरेडी है, UGC अप्रूव कैसे चेक करते हैं, इन सारे को अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो आपको जानने की जरूरत है। आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी, बट स्टिल अगर आपको एक ही चैनल पे सारा वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है, आई विल मेक वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।